ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तक पहुंच रहे हैं, और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य को पकड़े। और मुझे लगता है कि हर एक कलीसिया, हर एक पासबान को निश्चित तौर से समय निकालना है एक साथ, परंतु सिर्फ योजना के विषय में नहीं, लेकिन परंतु हम बात करें कि प्रभु ने आपको किस तक पहुँचने के लिए बुलाया है। भिन्न भिन्न कलीसियाओं को भिन्न भिन्न जातियों के लोगों तक पहुँचने की आवश्यकता है। एक कलीसिया के रूप में प्रभु ने आपको किसके लिए बुलाया है? एक पासबान के रूप में आपको पहुंचना है। अब जब आपको पता चले कि प्रभु ने आपको किस तक पहुंचने के लिए बुलाया है, फिर आपको सोचना होगा कि वे कैसे सोचते हैं, वे किस में से गुजर रहे हैं, उनकी कौन सी चिंताएं हैं, उनकी कौन से डर है, और फिर शायद हो सकता है कि उनकी कुछ असफलताएं और कुछ चिंताएं हो। जब आप गहराई से अपने मछलियों के विषय जानोगे, जिन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस समाज तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस रीति से वे लोग देखते हैं, आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो। समझ गए? उनकी रीति से आप देखते हो। अब जरा सोचिए, जब मैं डर के विषय और अपने समाज के विषय में सोचता हूँ, वे कौन से ऐसे कारण हैं जहाँ कलीसिया में लोग नहीं आना चाहते हैं? वे ऐसे कौन से सामान्य डर है जो शायद वो सामना कर रहे हैं कलीसिया में आने के विषय में? पहली बात यह है, वो संदेश और लंबी लंबी बातें समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इतनी कठिन होती है, जैसे कि बाइबलीय और विश्वासी, ये इतनी पेचीदा होती है। तो क्या जो हमारे संदेश है या हमारे प्रचार, क्या ये सिर्फ चिल्लाना है, या फिर इसमें सिर्फ भावनाएं भरी हुई है, या इसमें इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, या ऐसी भाषा जो अविश्वासी समझ नहीं पाते हैं? तो अगर आप अविश्वासियों को बुलाना चाहते हो, ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हो जो यीशु को नहीं जानते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं, अगर आप उन्हें अपने जगह पर और अपने समाज में उन्हें बुलाना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं, तो हम किस रीति से बोलने पाए जिससे हर किसी को समझ में आए? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे हम प्रचार करते हैं, हम फिर से उस पर पुनः विचार करना चाहते हैं। यही वो एक कारण है। वे कलीसिया में आते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, ये उससे जुड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आता और ना ही इसे आप ले पाते हैं। और एक ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे कई बार सामना करना पड़ा, हमारे कलीसिया के लोग इतना क्यों परखते हैं एक स्थान जहां आपको ऐसा लगे कि आप अपने हो, आपको प्रभु का अनुग्रह महसूस होना चाहिए, और कभी महसूस होता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, आप नहीं जाओगे, और तुम्हें पश्चाताप करना होगा, तुम नहीं करोगे। अब शायद उसके नींव में कोई सत्य छुपा हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ये उससे जुड़ा नहीं है, ये तो निश्चय ही एक ऐसा तरीका है जिसमें कलीसिया को काम करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा कारण लोगों का न आने का ये होता है, हो सकता है कि उदांत और घमंडी ऐसे कुछ महसूस होना या ऐसे कुछ जलन रखना अविश्वासियों के लिए। हम चाहते हैं कि वे अपने सभी तरीकों को बदले, हमारे जैसा व्यवहार करें, हमारे जैसे ही बोले, इससे पहले कि वह हमारे समाज में आए, हमारा हिस्सा बने। क्या ऐसे कुछ सहकर्मी हैं जिन पर अनुग्रह करते हैं? क्या ऐसे कुछ लोग हमारे पास है, एक ऐसा चेहरा जो दूसरों के लिए नर्म हो, जो मसीह को खोजता है? आक्रामक होकर मसीह के विषय बोलने के विषय नहीं बता रहा हूँ, या किसी के धर्म को बदलने के विषय, हम उसके विषय में नहीं बोल रहे। मैं ऐसे लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ जो मसीह को खोजने वालों का जो स्वागत करते हैं, सही है, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो क्षमा को खोज रहे हैं और खोज रहे परमेश्वर को। क्या हम ऐसी कलीसिया जो लोगों का न्याय करते हैं? और एक परिस्थिति होती है, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। कई बार लोग कलीसिया में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वे इस प्रकार की सोच को रखते हैं, या तो उन्हें दिलचस्पी है या फिर उन्होंने धर्म बदला है। ये ऐसी बात नहीं है, और ये निर्भर करता है आपकी परिस्थिति पर कि आप कौन सी संस्कृति और भाषा में पले बड़े हो। जब आप अपने लोगों के डर और चिंताओं के विषय में सोचते हैं, अगर वो उनमें से एक है, कलीसिया में आना ये खुद ही एक डर बन गया है और ये बहुत ही ज्यादा मायनों को रखता है, तो हमें कदम बढ़ाकर उनकी ओर जाने की आवश्यकता है। हम दिखाते हैं कि हमें चिंता है। यीशु ने कभी भी किसी को एक स्थान पर नहीं बुलाया, वो हमेशा सुबह उठते थे, अपने चोगे को पहनकर वो निकलते थे, और उस समय वो लोगों के साथ में चला फिरा करता था। तो हम यहाँ पर किसी का परिवर्तन नहीं करते हैं। और एक डर लोगों के अंदर में होता है, वो ये है, जब हम यीशु और यीशु के विश्वास पर बोलते हैं ये बाहरी धर्म है जानते हो, तो आप सोचते हो वो कौन सी चिंता है, वो कौन सी डर है, और फिर आप मसीह के विषय में सोचते हो और आप उन्हें समझने में मदद करते हो, और यीशु के विषय में एक सही समझ को रखे, संदेह को निकालना या फिर उन गड़बड़ियों को निकालना, और मसीह के विषय में जो विचार आते हैं जो सत्य नहीं है उन्हें निकाल देना, और हो सकता है अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वे उस बात को पूरा कर सके।
कई बार लोग इसे बाहरी धर्म समझते हैं और हमें इसे भी खोजने की आवश्यकता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अधिकतर आपकी परिस्थिति के लिए आपको अपनी ही मछली की ओर देखना होगा कि आप देखे और बोले कि उन्हें क्या वे किस बात को लेकर चिंतित थे। तो सबसे पहली बात जो मैंने दिया, एक वचन, हम किसे खोज रहे हैं, हम किसे खोज रहे, और दूसरी बात, वे कैसे सोचते हैं। मैं तो मछलियां जहाँ पर है वहीं पर जाना चाहता हूँ। नंबर तीन है, जहाँ मछलियां है वहां पर जाए। और जैसे मैंने कहा कि यीशु हमेशा सुबह उठकर कहीं पर चले जाते थे, वो हमेशा चमत्कार बीमारी को ठीक करते जाते थे, प्रचार करके लोगों को इकट्ठा किया करते थे, दुकान की जगह हर जगह वे दिखा करते थे, जहां लोग हमेशा मिला करते थे, रास्तों पर और गलील के किनारे पर। मछुआरे की बस्ती होने के कारण वहां पर साधारणता हगा वे वहां तक पहुंचे। क्या हम ऐसे लोग हैं जो हमारी कलीसिया में बुलाते हैं, हमारी ही भीड़ में हम लोगों को निमंत्रित करते हैं? क्या हम ऐसे हैं कि बाहर में हम जाते हैं, पूरे हफ्ते तक रिश्तेदार अपने अपने लोगों के पास जाते हैं? नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ दरवाजा ठुकना या ऐसी बातों के विषय नहीं, ट्रैक को बांटना, लेकिन मेरा विषय है जहाँ वे है वहाँ पर हमें जाना। जहाँ वे है वहाँ जा रहे और समझ रहे हैं उनके जीवन को, उनके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं, उनके समाज का अंग बन रहे हैं, ताकि आप महसूस कर सको कि सच में वे जरूरतें क्या हो सकती है, उनके विश्वास को जीत लेना। यीशु गए। और लूका 10 वचन 18 ये कहता है, जब आप नगर में जाते हो और आपका स्वागत किया जाता है, जो तुम्हारे सम्मुख रखे उसे खाओ, संस्कृति का एक हिस्सा बने, पहुनाई का हिस्सा बने। तो जब कभी भी यीशु को मौका मिला तो वे वहाँ पर गए। उन्होंने किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा, और ये तो ऐसा होता है, उद्धार का तरीका ऐसा ही होता है, आप ऐसे स्वर्ग में आते हो, उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। जब कलीसिया के भाग की ओर आप लौट कर आते हैं, विश्वासी, पास्टर, टीम और सेवकाई, हमें अपने कार्यक्रमों को ऐसे बनाना है कि हम सोचे और कार्य करें इस रीति से कि वे मसीह को खोजने वाले के पक्ष में हो। हम अपने तरीके से कार्यक्रम को रख कर ये नहीं चाहेंगे कि लोग वहाँ पर आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम और हमारी सेवकाई ये तो लचीली होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों तक पहुँचने पाए मसीह के लिए, उनके दृष्टिकोण से, उनके ही मांग के आधार पर। सबसे बेहतर तरीका, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखे, सबसे अच्छा तरीका पहुंचने का, समाज तक पहुंचने का अच्छा तरीका, ये संदेश के द्वारा नहीं लेकिन जरूरत को पूरा करने के द्वारा, संदेश देने लेकिन जरूरत को पूरा करने के द्वारा। किसी को भी मसीह के लिए जीता जा सकता है अगर आप उनके हृदय की कुंजी को खोजे, और उनके हृदय की कुंजी एक जरूरत है, लोगों की जरूरतें होती है, हमारे आसपास के सभी लोगों की जरूरतें होती है। और यीशु जहाँ कहीं गए, 5 रीति से उन्होंने उन जरूरतों को पूरा किया, और जब उन्होंने सुसमाचार दिया लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ किया था। सफलता का रहस्य उनकी जरूरतें पूरा करना है, सफलता का रहस्य जरूरतें पूरा करना है। हमारी आवश्यकता से बढ़कर कलीसिया नहीं बढ़ेगी जरूरतें पूरा करने के लिए। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ जरूरतें पूरा करने के लिए, 2 तरीके जरूरतों के। पहला तरीका है भावनात्मक जरूरत, और दूसरा है संबंधों की जरूरत। पहला है भावनात्मक जरूरत, और नंबर 2 संबंधों की जरूरत। चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना जाओ, चाहे कैसी भी संस्कृति क्यों ना हो, कोई भी भाषा और कोई भी स्थान क्यों ना हो संसार का, इन 2 क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकता होती है। भावनात्मक जरूरतें होती है, अपनापन होने की जरूरत होती है, और संतुष्ट और आनंदित होने की आवश्यकता, शामिल की जाने वाली और स्थापित होने वाली जरूरत, ठीक है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम लोग बाद में देख सकते हैं। फिर संबंधों की जरूरत होती है, आप किसका हिस्सा हो और कैसे समाज में आप रहते हो, और ये सब बातें पहचान के साथ में जुड़ी है। तो अविश्वासियों का जो मनोस्थिति होता है, वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे डरते हैं, कि कैसे वो चिंताओं से मुक्त होते हैं, वे अपने ही शक और संदेह के ऊपर में जय को प्राप्त करते हैं, और यही वो बात है। और ऐसे ही हम लोग सोचना आरंभ करते हैं, ठीक है। अविश्वासी का जो संस्कृति है, ये हमारी योजना और स्टाइल को निश्चित करती है, और हम क्या करना चाहते हैं ये निश्चित हो जाता है। इस वीडियो को मैं ऐसे ख़त्म करना चाहूँगा, जब हम अविश्वासी और बाकी सारी चीज़ों के विषय में बात करते हैं, हम ये जानने पाएंगे कि सबसे बेहतर वे लोग होते हैं। अपने ध्यान और ऊर्जा को उन्हें दे जो लोग सीखना चाहते हैं। हर किसी के ऊपर में अपनी ऊर्जा प्रकट करना, सभी के प्रश्नों का उत्तर देना, हर जगह पर जाना, सब तक पहुंचना चाहते हैं, इसके बजाय कि जरूरत को पूरा करें। इसमें सब खत्म होगा, हम अपने पैसे में और अपनी ऊर्जा को खत्म करेंगे। समय पर आते हैं,
जब हम ऐसे लोगों को खोजते हैं जो कि आपकी बातों को ग्रहण करते हैं, वे जरूरतमंद है, उन्हें आवश्यकता है, वे भूखे हैं, तभी तो आप प्रभावशाली बन पाओगे। नंबर 4, तो आप ऐसी मछली को खोजे जो कि भूखी है। भूखी मछली को खोजे। मछली भूखी है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि किस तक पहुंचे? बढ़ती कलीसिया, प्रभावशाली कलीसिया हमेशा सीखने वाले लोगों को लेती है। न बढ़ने वाली कलीसिया, निरस्त कलीसिया, वो बेकाम लोगों के पीछे होती है। वे तो बेकाम लोगों को लेती है। ये गलती है जो मैंने की थी कई सालों तक, और बहुत सारा समय और ऊर्जा को मैंने इसके लिए बर्बाद किया, बेकाम लोगों के लिए। लेकिन बढ़ने वाली कलीसिया, प्रभावशाली कलीसिया, क्रियाशील लोगों के पीछे होती है। हम कैसे जानेंगे कि लोग पाना चाहते हैं? मछली का खाने का एक समय होता है, कुछ समय होता है जहां पर मछलियां आती है आपकी दिशा की ओर। पहली बात समय का लेन देन है, और दूसरे नंबर की बात है समय की चिंता। समय और लेन देन की चिंता, दर्द का और बदलाव का समय। जब कभी किसी के जीवन में कुछ बदलता है, जैसे उनकी नौकरी बदलना या फिर संबंध भी बदलते हैं, नगर बदलते हैं, संस्कृतियां बदलती है जहाँ के वे जाते हैं, उस समय के दौरान लोग खुले हुए होते हैं। वे नहीं तो कठोर होते हैं और नहीं सुरक्षा के मामले में इतने सख्त होते हैं। और एक समय होता है, वह है तनाव का। जब वह तनाव होता है, स्वास्थ्य और धन का तनाव, जब कभी भी वहाँ पर दर्द का एक तनाव होता है, हम भिन्न भिन्न परिस्थिति में होकर जाते हैं या अनुभव होते हैं, वे ऐसे समय होते हैं। क्या हम लोग ऐसे ही दूषित किए जा रहे हैं? नहीं, हम तो, हमारा हृदय नम्र होता है बदलाव के पहले और उसके बाद में। तो किसी एक विशेष समय में लोग ग्रहण योग्य होते हैं। तो जब किस बात के लिए आप ग्रहण करते हो कि उनकी जरूरतें पूरी की जाए? ग्रहण करें मदद के लिए, अधिकतर लोग नहीं करते, अधिकतर समय सही है, परंतु कई बार लोग इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि वे आपकी मदद को पाना चाहते हैं, और वो समय ग्रहण करने का समय होता है। तो ऐसे समय को हम खोजते हैं, ध्यान करते हैं और उसका इंतजार करते हैं। हम अपनी ऊर्जा उनके ऊपर में असल में खर्च करते हैं जो कि ग्रहण योग्य होते हैं। सुसमाचार के लिए सोचिए जरा, अगर आपके पास में कोई प्रश्न है तो हम उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे कि कैसे स्वस्थ कलीसिया बने और कैसे हम अपनी ऊर्जा और निवेश को शामिल करें कि कहां पर ये सफल होगी जहां पर इसकी आवश्यकता हो।